बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर, उम्मीद है ठीक होंगे आप। उसमें रेगुलेशन आपने स्टार्ट में पढ़ी थी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, होम्योस्टेसिस चैप्टर 15, उसमें रेगुलेशन इन एनिमल्स। आप जिस तरह प्लांट्स डिफरेंट हैबिटेट्स में रह रहे थे, इसी तरह से ये जो एनिमल्स हैं ये भी डिफरेंट हैबिटेट्स ऑक्यूपाई करते हैं। चूँकि पानी जो है कॉन्स्टेंटली उनके सेल के अंदर जा रहा है, या उन्हें सॉल्ट की भी ज़रूरत पड़ी है, या सॉल्ट जा रहा है, ज़्यादा आ रहा है पानी के साथ उसको निकालने के लिए, तो ये जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको रिमूव करने के मैकेनिज़म या बचाने के मैकेनिज़म इस्तेमाल करेंगे। इसको हम ऑस्मोरेगुलेशन पहले भी कह चुके हैं। अब इस जो बैलेंसिंग है, इसमें एक्चुअली ऑर्गेनिज़म्स ने दो तरह की अप्रोचेस इस्तेमाल की हैं। पहले ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिन्हें हम ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं, और कन्फर्मर्स का मतलब होता है मुताबिक होना, मुवाफिक होना। इसके नाम से पता चल जाएगा अगर आपको ऑस्मो कन्फर्मर्स, यानी कि मुताबिक है उनकी ऑस्मोसिस, ठीक है। दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ऑस्मो कन्फर्मर्स इन्होंने पानी के साथ जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, चाहे वो मरीन एनवायरनमेंट ही है, मरीन एनवायरनमेंट में आपको बताया था सॉल्ट बेतहाशा होते हैं, ठीक है। अब अगर वो मरीन एनवायरनमेंट में भी रह रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि जितनी कंसंट्रेशन बाहर है सॉल्ट्स वगैरह की, उन्होंने अपनी बॉडी को भी उसके मुताबिक मेंटेन कर लिया। यानी कि दूसरे लफ्जों में उन्होंने आइसोटॉमिक जो है कंडीशन को मेंटेन किया था। अब आपको मैंने पहले भी बताया था जो है ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ पे ऑर्गेनिज्म आइसोटॉनिक होता है, अगर पानी बॉडी में जा रहा है बाहर आ रहा है उतना ही आएगा, उसमें कोई इनको रेगुलेशन का मैकेनिज्म इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स की आप एग्जांपल लिख लीजिए, तीन एग्जांपल इस वक्त लिखवा रही हूँ, जो है मरीन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। दूसरी जो एग्जांपल है वो हैग फिशेस है, और जो तीसरी है वो एग्जांपल आप लिख लीजिए पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स, ठीक है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन के साथ ये आ जाते हैं बोर्ड में, तो आपने इनकी एग्जांपल्स, कोई भी दो एग्जांपल आप डेफिनेशन के साथ लिखेंगे। तो सादे लफ्जों में क्या हुआ, ऑस्मो रेगुलेटर्स अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक होते हैं, एंड दे डू नॉट नीड टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल वंस। दीज आर कॉल्ड ऑस्मो कन्फर्मर्स। इस एग्जांपल क्या है, मेरीन इनवर्टिब्रेट हैग फिशेज हैं, पैरासाइटिक फ्लैटवर्म। दूसरे आपको समझ आ जाएगी, ये ऑस्मो कन्फर्म रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि या तो ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं या हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। दोनों सूरतों में इनको ऐसे मैकेनिज्म इस्तेमाल करने पड़ेंगे कि ये पानी को रिमूव करें या फिर बचाएं, ठीक है, या सॉल्ट को रिमूव करें या उसको बचाएं। दोनों ही तरीके इस्तेमाल करेंगे ताकि वो उसको रेगुलेट करें, ठीक है। इस वक्त मैं आपको तीन तरह की एनवायरनमेंट्स पढ़ा रही हूँ जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो किस तरह से होगी। ऑस्मो रेगुलेटर की पहले एग्जाम्पल्स आप लिख लें, तो कार्टिलेजिनस फिशेस लिख लीजिए, और काफ़ी सारी जो बोनी फिशेस हैं, ठीक है, बोनी फिशेस के एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। हम भी उसमें रेगुलेट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अगर आप देखें तो पैरासाइटिक वो जो फ्रेश वाटर में रहने वाले फ्लैटवर्म्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, पैरामेशियम है, अमीबा है, प्रोटोजोन है, ये सारे के सारे जो हैं ये भी उसमें रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पे तीन तरह के जो ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे मरीन एनवायरनमेंट, दूसरा हम डिस्कस करेंगे फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, ठीक है, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपको पहले बताया था कि जो मरीन है, यहाँ पे आपने जो है एक कोने पे ये लिख लेना है कि इनके अंदर मरीन पानी में सॉल्ट ज़्यादा होता है, और पानी जो है वो क्या है, कम है एज कम्पेयर टू दी बॉडी ऑफ दी ऑर्गेनिज्म,
ठीक है। यहाँ पे आप इसी तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लीजिए कि जो पानी है बाहर एक्सेस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सॉल्ट एक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट जो है वो कैसा है, सॉल्ट यहाँ पे लेस है, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट मेजर जो प्रॉब्लम आएगा वो किसका आएगा, वो पानी की कमी का आएगा, ठीक है। तो अब जरा इन तीनों एनवायरनमेंट को देखिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म वाइज, ठीक है। अगर आप देखें तो मैंने आपको स्मोक एंड थर्मल की एग्जांपल बताई थी, मैंने आपको बताया था कि जो मेरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, ये जो मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, और इसके साथ मैंने आपको वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट क्या है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ठीक है। तो दूसरी जो वर्टिब्रेट्स हैं उसकी मैंने आपको एक एग्जांपल ऑस्मोकनफोर्मे में बताई थी, वो क्या थी, हैग फिश। इन दोनों ने क्या किया है, मेरीन इनवर्टिब्रेट ने और जो ये जो थे हैग फिशेस, इन दोनों ने क्या किया, अपनी बॉडी को आइसोटोमिक कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑस्मो रेगुलेट नहीं कर रहे, ये तो ऑस्मो कन्फर्मर है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरीन एनवायरनमेंट में फिशेज रह रहे हैं, ये फिशेज कौन सी हैं, एक तो है कार्टिलेजनस फिशेज, ठीक है, और दूसरी जो है वो कौन सी है, बोनी फिशेज है, ठीक है जी। अब जो कार्टिलेजनस फिशेज हैं, ऐसी फिशेज हैं जिनके बॉडी जो है, आपको बताया था इनका स्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज नरम हड्डी जो है उसका बना हुआ है, जबकि बोनी फिशेज में बोनी स्केलेटन है। कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस आप फर्स्ट ईयर में पहले से पढ़ चुके हो मैं, ठीक है। अब आप इनकी अडेप्टेशन देखेंगे कि इन्होंने मेरीन एनवायरमेंट में अपने आप को किस तरह से अडेप्ट किया है। पहली बात इनकी अडेप्टेशन देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ सॉल्ट ज्यादा है, यानी ये किस एनवायरनमेंट का सामना कर रहे हैं, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट का सामना कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉल्ट को एक्सक्रीट करेंगे किस तरह से, गिल्स के थ्रू, और ये गिल्स से कैसे एक्सक्रीट करेंगे, इसे हम कहते हैं एक्टिव एक्सक्रीशन। एक्टिव एक्सक्रीशन क्या होती है, अगर याद रखिए आपको एक्टिव और पैसिव दो तरह की डेफिनेशंस बताई थी। एक्टिव में हम कहते हैं कि जो चीज अपनी लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है वो एनर्जी को एक्सपेंडिचर के साथ होती है, ठीक है। पैसिव में हमने कहा था अपनी हाई से लो की तरफ चली जाती है, ठीक है। अब चूंकि सॉल्ट मरीन वाटर में ऑलरेडी ज्यादा है तो फिश ने क्या करना है, अपने गिल्स के थ्रू सॉल्ट को जो एक्सक्रीट आउट करेंगी तो वो एक मैकेनिज्म इस्तेमाल करेंगी एक्टिव एक्सक्रीशन का, ठीक है। दूसरा इन्होंने एक खास मैकेनिज्म इस्तेमाल किया है कि इनकी जो किडनीज हैं वो क्या करती हैं, वो किडनीज होती है ऑस्मो रेगुलेटरी है, चाहे वो किसी भी एनवायरमेंट में हो, ठीक है। किडनीज क्या करती हैं, पानी को मैक्सिमम बचाने की कोशिश करती हैं और सॉल्ट को रिमूव करेंगी, यानी कि कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर देंगी, ठीक। तीसरी बात इन्होंने रेक्टल ग्लैंड्स, ठीक है, ये विद रेफरेंस टू रेक्टम क्लोएका के पास ऑर्गन है, ये क्या करेंगे, ये इसके थ्रू भी सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट कर देंगे। चौथा मैकेनिज्म जो है वो इन्होंने एक केमिकल अपनी बॉडी में रखा। पहले ये क्या करते हैं मैं बताती हूँ, इन्होंने क्या किया है, इसे TMO कहते हैं, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड, ठीक है। आमतौर पे ये जो कुछ फिशेज होती हैं, कार्टिलेजनस की बात कर रहे हैं, स्केट्स और रेज आपने सुना हुआ है, ठीक है। ये क्या करती हैं कि ये अपनी बॉडी को हाइपरटोनिक बनाती हैं, यानी सी वाटर तो ऑलरेडी हाइपरटोनिक है, लेकिन इन्होंने क्या करना है, अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को रखती हैं ताकि ये मजीद हाइपरटोनिक हो जाए। जब ये ज्यादा हाइपरटोनिक होती हैं, यूरिया अगर बॉडी में यूरिया ठहरा रहे तो वो तो बॉडी को सारा जो है वो डैमेज कर देगा, डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की। अब वो यूरिया के डैमेजिंग इफेक्ट से बचने के लिए एक केमिकल रिटेन करती हैं, इसको हम कहते हैं ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। ये क्या करता है, प्रोटीन को बचा के रखता है, उसको सेव करता है ताकि वो यूरिया के डैमेजिंग इफेक्ट्स जो हैं उससे ऑर्गेनिज्म बच सके, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्सक्रीट किए गिल से,
किडनीज अटैक हुई, रेक्टल ग्लैंड्स एंड ट्राइमिथाइलामीन ऑक्साइड इन्होंने, ठीक है, ये सारी अडेप्टेशंस हैं जो कार्टिलेजिनस फिशेज करती हैं। अब आते हैं कि बोनी फिशेज जो हैं, बोनी फिशेज आम तौर पे ऐसा देखा गया कि अगर वो फ्रेश वाटर में उनके एंसेस्टर्स पहले से रह रहे थे, अब वो डिसेंडेंट है उन्हीं की, ठीक है, लेकिन चूंकि वो रह तो फ्रेश वाटर में रही थी, अब वो किस एनवायरमेंट में आ गए, मरीन एनवायरमेंट में। जब वो मरीन एनवायरमेंट में आई हैं तो उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ा है, सॉल्ट का। अब वो क्या करेंगी, सॉल्ट को रिमूव करेंगी क्योंकि उन्होंने बहुत पानी पीना है। जब वो पानी पीती चली जाएंगी तो सॉल्ट भी तो बॉडी में जाएगा ना। अब वो जब वो सॉल्ट जाएगा तो ये क्या करेंगी, वही जो किडनीज की अडेप्टेशन आपको बताई थी, ये क्या करेंगी, कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करेंगी, ताकि पानी तो वो पीती चली जाएं लेकिन यूरिन निकले तो उसमें पानी कम हो और सॉल्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। तो ये है वो अडेप्टेशन जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स करते हैं। अब इसका एक फायदा है, उसका ये फायदा है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को जब ऑस्मोरेगुलेट कर लेता है तो वो वाइडर रेंज पे जाके अपने आप की हैबिटेट को ऑक्यूपाई कर लेता है, वरना तो ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे रुका रह जाता। अब चूंकि ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म चलते हैं तो वो पानी या सोलूट को बैलेंस करना जानता है, ठीक है। ये तो हो गई मरीन की। अब दूसरी बात करते हैं फ्रेश वाटर एनवायरमेंट की। फ्रेश वाटर एनवायरमेंट में पानी ज्यादा है, ठीक, सॉल्ट कम, इसका मतलब है ये इसको रिमूव करेंगे, इसको बचाएंगे, पानी को रिमूव करेंगे, सॉल्ट को बचा लेंगे। अब फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स, आपको प्रोटोजोन्स बताया मैं है, प्रोटिस्टा याद है आपको, यूनिसेलुलर सिंपल मल्टी जो है, सिंपल मल्टी सेलुलर जो है कॉलोनियल भी ऑर्गेनिज्म इसमें हमने शामिल किए थे, हैं सारे के सारे यूकेरियोट्स हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि यूनिसेलुलर में आप ले लें अमीबा है, ठीक है, पैरामेशियम है, ये याद रखें। ये क्या करते हैं, आपको अगर मैं एक अमीबा या पैरामेशियम आपको याद होगा तो हमने कहा था अमीबा के अंदर वैक्यूल होता है, इसको हमने कौन सा वैक्यूल कहा था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब पता है ना क्या है, फैलने सुकड़ने वाला, इसमें पानी भरता चला जाता है और क्योंकि ऑस्मोटिक फ्लडिंग हो रही है, पानी हमेशा मैंने कहा था हाई से लो की तरफ जाता है, हाइपोटोनिक में हमेशा होता यही है कि पानी जो है सेल के अंदर एंटर होता है, जब वो एंटर होता चला जाता है तो वो पानी वैक्यूल में जमा होता है, वो बर्स्ट करता है और वो निकाल देता है एक्स्ट्रा पानी को, ठीक है। अब आते हैं फिशेस की तरफ। फिशेस क्या करती हैं, वो मैकेनिज्म इस्तेमाल करती हैं जो ये यानी कि अगर वो एक्सक्रीट कर रहे हैं गिल्स के थ्रू, किसको, सॉल्ट को, ये क्या करेंगे, गिल्स के जरिए ये सॉल्ट को अपटेक करेंगी, एक्टिव अपटेक करेंगी, ठीक है। तो दूसरी बात, किडनीज कहा था कि यहाँ पे डाइल्यूट सॉरी वहां पे कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से फिर जो है वो पानी ज्यादा उनकी बॉडी में रह जाएगा और जो किडनीज हैं उनकी अडेप्टेड है सॉल्ट को, अब रहेगी सॉल्ट की कमी को वो कैसे पूरा करते हैं, तो वो अगली अडेप्टेशन क्या करेंगी, वो ये करेंगी कि सॉल्ट कंटेनिंग जो फूड है उसको ये इस्तेमाल कर लेंगी, ठीक है। इस तरह से ये फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को ऑस्मोरेगुलेट कर रहे हैं ताकि पानी और सॉल्ट जो है उसको बैलेंस करें। क्लियर हो गई, तो दो एनवायरनमेंट आपने समझ ली, हाइपरटॉनिक भी और हाइपोटॉनिक भी। अब तीसरी बात है टेरेस्ट्रियल जो है ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको एक पॉइंट लिख के दिया था कि ये डिहाइड्रेशन का खतरा इनको होता है। अब इन्होंने इस डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल किए हैं, वो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ लिखने की बजाय मैं पूरा लिखा रहने देती हूँ ताकि आपको ट्रबल ना आए नोट करने में, मैं यहाँ पे इनके पॉइंट्स बना देती हूँ, ठीक है। पहली बात, इन्होंने क्या किया है, डिहाइड्रेशन से रोकेंगे अपने आप को, ठीक, डेड कैरेटिनाइज्ड स्किन, कैरेटिनाइज्ड स्किन का मतलब कैरेटिन की बनी हुई सख्त छिल्ली वो जो लेयर है, ठीक है, वो अपनी बॉडी के ऊपर बना ली है ताकि पानी के इवेपोरेटिव लॉस को रोका जा सके, ठीक है, स्किन बन गई।
दूसरा जो काम इन्होंने किया वो आर्थ्रोपोड्स ने किया। आर्थ्रोपोड्स क्या है, आपको पहले भी बताया था कि पूरा फाइलम आपने पढ़ा, आर्थ्रोन जॉइंटेड, पोडियम का मतलब फुट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जॉइंटेड लेग्स होती हैं, जैसे स्पाइडर है, कॉकरोच है, और जो है स्कॉर्पियन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक्सोस्केलेटन वैक्सी कर लिया है। एक्सोस्केलेटन आउटसाइड दी बॉडी होता है, वैक्सी एक्सोस्केलेटन है। मैंने वैक्स का आपको बताया था कि जो वैक्स होती है वो क्या करती है, पानी की इवेपोरेशन को रोकती है, ठीक है। ये जो वैक्स है, वैक्सी एक्सोस्केलेटन, ये पानी की इवेपोरेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपने आमतौर पर सुना होगा ना, जहरीले बिच्छू जो है वो सहराओं में भी मिलते हैं, ठीक है। ये इनकी बड़ी अच्छी अडेप्टेशन है जो पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो किडनीज, यहाँ पे भी जो है वो ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स है, पानी की कमी का सामना है तो कम यूरिन है, ज्यादा है तो वो निकाल भी देंगी, ठीक है। लेकिन ज्यादा अगर डेजर्ट के ऑर्गेनिज्म देखें तो उन्होंने दो तरह की अडेप्टेशन कर ली है। मसलन इनको हम कहते हैं बिहेवियरल अडेप्टेशन, और दूसरे को हम कहते हैं मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस। बिहेवियरल एडेप्टेशंस क्या है, बिहेवियर को मॉडिफाई करना। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो जो बिच्छू है, या चले दूसरे ऑर्गेनिज्म की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि मगरमच्छ है, स्नेक्स है, कोई भी और ऑर्गेनिज्म्स है, वो दिन को जो बर्रोविंग आउल है वो क्या करते हैं, दिन को कहीं छुप जाते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मी होती है, जितना ज्यादा बाहर निकलेंगे उतना ज्यादा इवेपोरेटिव लॉस है, उसको रोकने के लिए उन्होंने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई किया है। वो क्या करते हैं, अपने जो है वो शेल्टर में कहीं चले जाते हैं, जैसे ही शाम का जरा ठंडा टाइम आता है तो वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है। दूसरा है मेटाबॉलिक एडेप्टेशन, मेटाबॉलिज्म को बॉडी ने चेंज किया। मिसाल आपको देती हूँ, आपकी बुक में ही लिखी है केंगरू रैच, ये स्मॉल एनिमल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ स्मॉल एनिमल जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, आमतौर पर आपको पता है वो पानी बिल्कुल ही नहीं पीते हैं। जब वो पानी नहीं पीते तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट है। वो पानी कहाँ से ले लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जो है उसके मेटाबॉलिज्म, यानी वो डेजर्ट के जो सीड्स होते हैं ना उनको वो खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जो मेटाबॉलिक मैकेनिज्म या के मुताबिक जो पानी बाहर निकलता है ना उसको वो इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फर्ज करें कि कुछ एनिमल्स हैं, मैं एक और मिसाल यहाँ पे दे देती हूँ आपको, मैं कैमल की एक एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा है ये जो कैमल है डेजर्ट का, क्या जहाज कहते हैं ना, आपने सुना हुआ है ना, तो ये क्या करता है, आप 5-5 लीटर पानी पी जाता, आप पी सकते हैं 5 लीटर इकट्ठा पानी, क्यों, क्योंकि आप सांस लेते हैं तो आप सांस के साथ भी पानी जो है वो इवेपोरेट करते हैं, जरा ऐसे करके हाथ शीशे के ऊपर सांस लें, लेकिन वो मैक्सिमम उसके नाक के अंदर पानी जो एब्जॉर्ब होता है, ताकि वो ड्राई जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से हवा बाहर निकाल सके। इतनी ज्यादा अगर मैं डिस्कस एक एक एनिमल को करूं तो बहुत लंबा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त करते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इसे कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस, एन का मतलब विदाउट, हाइड्रो का मतलब पानी, बायोसिस का मतलब लाइफ, यानी पानी के बगैर जिंदगी। इसका मतलब यह है कि एक ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जब होते हैं तो वो मुख्तलिफ पानी की कमी को बर्दाश्त करने की सलाहियत उनमें मुख्तलिफ होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एन हाइड्रोबायोसिस। एग्जाम्पल में आप कैंगरू रैट लिख सकते हैं, डेजर्ट के और भी एनिमल्स आप डिस्कस कर सकते हैं, इसको लाजमी लिखिएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में बार बार बता रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन में आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी होती है, ठीक है। फिर एक दफा देखिए, लास्ट वाला मैं दोबारा बोल देती हूँ क्योंकि उसकी अडेप्टेशन ज्यादा है, ये आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले डेड कैरेटिना स्किन है, इवेपोरेटिव लॉस को रोकने के लिए वैक्सी एक्सोस्केलेटन बना लिया है, किडनीज इनकी ऑस्मोरेगुलेटरी है, ये बिहेवियर और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऐसी अडेप्ट कर लेते हैं जिसके नतीजे में पानी को जो है वो इवेपोरेशन को रोक देते हैं, ठीक है। फिर आपको मैंने कैंगरू रैट की एग्जाम्पल दी, फिर मैंने आपको एनहाइड्रोबायोसिस के
के बारे में बताया। दिस इज ऑल अबाउट, थोड़ा सा याद रखिएगा, मैंने बार बार आपको शुरू में बताया था, ये आपने जहन में रखना, ठीक, ये आप जहन में रखेंगे तो आपको ये सारी एडेप्टेशन बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई ट्रबल आती है तो मैं आपके पास हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह।